युवा हुंकार रैली हो रही है अमित शाह की, उसकी कवरेज दे रही है अपने दर्शकों को, और तमाम प्रकार की यहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम के साथ साथ दिखाया जा रहा है, अलग अलग तरीके के प्रदर्शन करने के तरीके दिखाए जा रहे हैं। एक हमारे साथ अभी जैसे एक भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका एक अलग अनोखा तरीके का जो एक प्रदर्शन कर रहे हैं वो पार्टी की, यहाँ जो युवा हुंकार रैली हो रही है। तो क्या नाम आपका? देवेंद्र फरमाना महमल का। तो रोहतक जिला, रोहतक जिले से। तो आपने जो ये जिस तरह की वेशभूषा बना करके आए हैं आप, तो इसमें क्या आपका मकसद है? मैं आज से नहीं, नरेंद्र मोदी का फैन बहुत सालों से हूँ और मैं उनकी 73 रैलियों में पहले भी ऐसी जा चुका हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि वो हमारे देश को एक तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ईमानदारी भ्रष्टाचार मुक्त हमारी ये सरकार है। और सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ भाई बलराज कुंडू जी से हूँ, जो हल्का महम से हैं, जो हमारे हल्के की बहनों को 8 बसों से हमारे गाँव से और कॉलेज के अंदर लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो सामाजिक काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और वहीं पर मनीष ग्रोवर जी हमारे सहकारिता मंत्री, वो भी उनके पास कोई भी जाए उनका बहुत ज़्यादा आदर मान करते हैं और काम भी करते हैं। हमारे हल्के के अंदर काम भी काफ़ी चल रहे हैं जो पहले नहीं थे। तो आप सभी रैलियों में इसी प्रकार से जाते हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ, हर एक रैली में ऐसे ही जाता हूँ। भारत माता की वंदे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं में भारी भरकम जोश देखा जा रहा है और तमाम प्रकार के एक जोश भरने के तरीके हो रहे हैं और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के फैन है और एक तरीका है, लगभग 60 रैलियों में इस प्रकार से जा चुके हैं और भी तमाम प्रकार की जो यहाँ पर गतिविधियाँ होंगी उनको संसार क्रांति समय समय पर दर्शकों तक पहुँचाता रहेगा। आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। वक्त 12 बजे का हो चुका है और रैली में जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है युवा हुंकार रैली में, धीरे धीरे यहाँ पर कुर्सियाँ भी भरने लगी हैं और संख्या भी धीरे धीरे काफ़ी तादाद में, पीछे जैसे जानकारी आ रही है काफ़ी तादाद में बाइक रैली के माध्यम से, बाइकों के माध्यम से संख्या यहाँ पर पहुँच रही है। महिलाएँ भी आनी प्रारंभ हो गई है। अभी मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहना चाहूँगा वो दिखाएँ एक बार, हेलीकॉप्टर यहाँ पर अभी उड़ान पर है और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो अभी कुछ ही देर में उनका जो हेलीपैड पे ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग करेगा और तमाम प्रकार की जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो यहाँ पर जय घोष के साथ और एक जोश भरने का प्रयास यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है और चारों तरफ से जो जानकारी आ रही है बहुत सी बाइकों के जमावड़े के साथ, काफिले के साथ हरियाणा के कोने कोने से काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। तो जैसा कि संसार क्रांति काफ़ी समय से आपको जो युवा हुंकार रैली है उसकी पल पल की जो जानकारी है वो आपको दे रहा था, तो जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, अमित शाह के लिए यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अमित शाह यहाँ पधार चुके हैं। कैमरामैन को मैं कहूँगा वो दिखाएं एक बार, जो तमाम दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के वो अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके साथ वो खड़े हैं और अभी वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में उनका उद्बोधन भी होगा, वो भी जानकारी हम आपको पल पल की देंगे। और मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा वो दिखाएं पीछे की तरफ सारा का सारा जो पंडाल है, जिस पंडाल को हम 11:30 बजे तक काफ़ी अधूरी संख्या में देख रहे थे, काफी कुर्सियां खाली थी, अब वो सारा भर चुका है, काफी संख्या में काफी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं। जैसे ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके साथ साथ काफी बड़ा काफिला इस सारे कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहा और मैं पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा लंबी तादाद में, यदि हम पीछे देखें तो काफी लंबी कतार में काफी सारे युवाओं को देखा जा रहा है और एक समय ऐसा लग रहा था कि संख्या कम रहेगी लेकिन अब पूरा का पूरा पंडाल भर चुका है और तमाम प्रकार के जो कार्यकर्ता यहाँ पर जितने भी देखे जा रहे हैं सब में जोश देखा जा रहा है। और एक बार मैं फिर दोबारा कैमरामैन को कहना चाहूँगा दिखाएं एक बार स्टेज की तरफ वो दिखाएं, जो जितने भी दिग्गज हैं वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के उनका जो सम्मान किया जा रहा है, उनको वो जो बुक्के दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। तमाम प्रकार की जो यहाँ पर पार्टी की तरफ से या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो भी घोषणाएं होंगी उन तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा जब तक आप संसार क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं तो आप कुछ तस्वीरों को साथ में छोड़ करके आपको जाना चाहता हूँ, और भी जानकारी के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। जिनसे संसार क्रांति की रिपोर्ट क्रमवीर आर्य। मैं प्रोफेसर रामलाल शर्मा जी,